फ्रेंड, जैसे कि देख पा रहे हैं आज मेरे पास आई है टीवीएस की एंटॉर्क फर्स्ट सर्विस में आई हुई गाड़ी। और गाड़ी में जो इरिटेटिंग प्रॉब्लम हो रही है, कस्टमर का कहना है कि इसके क्लच साइड से कुछ अजीब से साउंड आ रही है, खट 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 से इस तरह से साउंड कर रही है और एक रोलर का अजीब सा साउंड है। तो उसको ओपन करके आपको कम्प्लीट क्लियरली बताएंगे कहाँ से इसका एक्चुअल प्रॉब्लम होता है, जो एंटॉर्क में आती है प्रॉब्लम क्लच टू का, या फिर इसके रोलर का जो प्रॉब्लम आता है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जितने भी अदर प्लेटफॉर्म या यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड किया गया, बहुत से भाई बताते हैं कि मैकेनिक भाइयों को बोलना है कि इसके बारे में कि सॉल्व कर दे प्रॉब्लम, वो सॉल्व करके दे देते, बट प्रॉपर किसी ने इसका सोल्यूशन दिखाया नहीं लाइव कि कहाँ से एक्चुअल प्रॉब्लम होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है और कंप्लीट हमेशा के लिए किस तरह से उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाता है, उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मेरे पास एंटॉर्क आई हुई है BS4 वाला वर्जन है। चलिए इसके क्लच कवर को ओपन करके आपको हम दिखाते हैं कहाँ से इसका इरिटेटिंग का प्रॉब्लम होता है, किस तरह से इसका साउंड को प्रॉपर तरीके से हमेशा के लिए खत्म करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल वीडियो बनाते रहें। चलिए फट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपको हम एंटॉर्क का कंप्लीट क्लच कवर ओपन करके दिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बता दें कि ये जो TVS एंटॉर्क होती है स्कूटरों में से सबसे अलग इंजन होता है, 3 वाल्व, ये 3 वाल्व वाला इंजन होता है। इसके टाइफिट एडजस्टमेंट का वीडियो मैंने बना चुका, वो वीडियो नहीं देखे नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं गाड़ी एकदम न्यू चकाटक है। चलिए फट से क्लच कवर को ओपन करते हैं और आपको इसका मैकेनिज्म दिखाते हैं, क्या 3 वाल्व का जो हेड या ब्लॉक में सिर्फ चेंजेस किया गया है या इसके क्लच कवर भी चेंजेस है, कैसे इसका वाइब्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, खटखट कर से साउंड करती है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए फट से इसके क्लच कवर को ओपन करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिए, जरूर कुछ सीखने लायक आपको मिल जाएगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैकेनिज्म देख पा रहे हैं किस तरह से इसका जो परफेक्ट क्लच कवर का डिज़ाइन किया गया। सबसे पहले एयर फिल्टर का जो बॉक्स है, इसको 2 ATMM का जो टूल्स है, यहाँ पे गोटी लगी हुई है रिंच, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, उसके बाद एयर फिल्टर को थोड़ा सा ऊपर पुश करेंगे, उसके बाद ये जो क्लच कवर को ओपन करके आपको एक्चुअल इसका मैकेनिज्म बताएंगे किस तरह से इसके मैन्युफैक्चरिंग की गई है। तो स्पोर्टी लुक दिख पा रहे हैं क्लच कवर एकदम डिज़ाइन कितना प्रीमियम लग रहा है। तो इसको ओपन करके इसके अंदर से का साइड का हमको दिखाते हैं, जो बहुत से भाई जो एक्साइटमेंट में थे कि इसका अंदर का मैकेनिज्म किस तरह से होता है, एंटी क्लॉक वाइज क्या खुलेगा, क्लॉक वाइज क्या खुलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसके ATMM के तो यहां पे बोल्ट है, इसको खोल लेंगे। और एक यहां पे बोल्ट है, इसको इसलिए खोलते हैं ताकि हमारा जो एयर फिल्टर का बॉक्स थोड़ा सा ऊपर चला जाए, जिससे हम क्लच कवर खोलने में परेशानी ना हो हमें। तो ये हमारा एयर फिल्टर का बॉक्स खुल गया। अब इसके जितने भी 8mm के सारे बोल्ट हैं, इसको हम फटाक से ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम खुल रहा है, कंपनी फिटेड है, थोड़ा सा सिर्फ इशू है, ल्यूब्रिकेटिंग कर देंगे, ऑयलिंग कर देंगे, एकदम सही हो जाएगा। बट आपको इसमें सीखने लायक मिल जाएगा किस तरह से खोलना है, कहाँ पे इशू होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, उसी के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो सारे बोल्ट को ओपन कर दिए, अब देखिए ये फट से वो बाहर निकल जाएगा, 1 2 3। ये देखिए दोस्तों, इसको ओपन कर दिए हैं। इस CVTi का जो इंजन है 125 3 वाल्व का जो इंजन, एकदम बेमिसाल और शानदार इंजन, से क्लच और हॉजिंग का देख पा रहे डिस्टेंस कितना बड़ा है। तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले जब भी इसको ओपन करें तो ये वाला जो हमारा बैरिंग है इसको बहुत ज़्यादा ल्यूब्रिकेट करें, क्योंकि ये जब हमारा सूख जाता है तो क्या होता है कि हमारा जब भी ये क्लच का हॉजिंग जब घूमता है तो क्या होता है, ये बैरिंग में जो इरिटेटिंग का साउंड है। तो कंपनी रिकमेंडेड, देखिए फिटिंग जब भी किया गया है इसको प्रॉपर ल्यूब्रिकेटिंग किया गया। दूसरा जो इशू होता है, इसके अंदर जो रोलर लगे होते हैं, वैसे आपको समझ में आएगा नहीं जब तक इसको हम ओपन करके आपको क्लियरली ना समझाएं, क्योंकि इस तरह से प्रॉपर किसी भाई ने व्यू देकर इस तरह से क्लियरली किसी भाई ने नहीं समझाया कि कहाँ से इसका इरिटेटिंग का प्रॉब्लम होता है। और ये जो हमारा पार्ट से इसको ओपन करेंगे, हमारा टाइमिंग चेन वाला रोलर वाला एरिया आ जाएगा, दूसरा उधर हमको ओपन नहीं करना है। जब भी आपको नई गाड़ी में इस तरह से इरिटेटिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, घबराना भी नहीं। फर्स्ट सर्विस में आप सर्विस सेंटर जाइए, उसको बोलिए कि हमारे क्लच साइड से कुछ इरिटेटिंग का साउंड है,
थोड़ा सा ओपन करेंगे, क्लच शू को थोड़ा सा खींचेंगे, हाउजिंग को थोड़ा सा खींचेंगे और जो इसके जो रोलर होते हैं उसको थोड़ा सा ल्यूब्रिकेट कर देते हैं। ये नॉर्मल है, जनरल सर्विस में हो जाता है। चलिए फट से इसको ओपन करके आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं किस तरह से आपको सीखने लायक मिलेगा और कहाँ पर आपको प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी इसको ओपन करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट रहना चाहिए इसका प्रॉपर टूल्स। अगर टूल्स आपके पास ना रहे तो आप इसको ओपन ना करें, क्योंकि थोड़ा सा भी सब देख रहे हैं मेटल का जो पार्ट्स होता है एक ज़रा सा भी मिस कीजिएगा तो ये टूट सकता है। तो इसके लिए कौन सा एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा, कौन सा क्लॉकवाइज खुलेगा उसका तो हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बट आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। देखिए एक ये टूल्स जो इस क्लच वाले हाउजिंग में लगेगा और एक ये टूल्स जो रोलर में लगेगा। ये देखिए कितना छोटा छोटा हॉल है और इसमें हमारा ये प्रॉपर अटैच हो जाएगा। ये देखिए ये अटैच हो गया। तो सिर्फ इसको हम क्या करेंगे, ल्यूब्रिकेटिंग करेंगे। तो इसको हम ओपन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कहाँ पर कहाँ पर ग्रीस डालना है और किस किस जगह पर ल्यूब्रिकेटिंग करके आपको इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सिर्फ यहाँ पर खोल के इस जगह पर ग्रीसिंग करना है, इसके अंदर वाले रोलर पर और क्लच शू को घिस के इसको लगाना है। चलिए फट से ओपन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कौन सा क्लॉकवाइज खुलेगा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा। इस तरह से प्रॉपर टूल आप परचेज़ कर लें, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसको ओपन करने के लिए इस तरह से हमारा जो रोलर रहेगा इसको हम अटैच कर देंगे और ये 17 mm के सॉकेट की मदद से इसको ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा खुल गया, अब इसको हम ले लेते हैं बाहर। ये हमारा क्लच हाउजिंग, तो इस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा सैंड पेपर यूज करेंगे, सरसपत्ता जिसे बोलते हैं, और क्लच वाले हाउजिंग का थोड़ा सा टफ़ है, इसको हम दबा के बैक साइड प्रेस करके बाहर निकालते हैं। तो एक साइड से थोड़ा निकालना टफ़ रहेगा इसलिए हम दोनों साइड को ओपन कर लेते हैं। दोनों साइड को ओपन करने के लिए यहाँ पे एक ये जो है इसको लगाएंगे, उसके बाद नॉर्मल एक जो है 22 mm का यहाँ पे लग जाएगा सॉकेट, उसके बाद आप ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसके सॉकेट को लगा दिए हैं। इसको खोलने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, TVS के जितने भी स्कूटर है चाहे वो जेस्ट हो, विगो हो, पेप प्लस हो या जुपिटर हो, सबका ये जो यहाँ पे रोलर वाला नट है वो उल्टा खुलता है और यहाँ का जो क्लच शू और हाउजिंग वाला नट है ये सीधा खुलता है। बट TVS एंटॉर्क 125 में दोनों नट हमारा सीधा खुलेगा। क्यों सीधा खुलेगा, क्योंकि ये जो किक रिजिड वाला नट है ये अलग से दिया हुआ है और उन सब में क्या होता है कि किक रिजिड वाला जो नट है उसी में साथ दिया होता है जो 32 नंबर का होता है, तो वो क्या होता है हमारा उल्टा खुलता है। वो उल्टा इसलिए दिया होता है ताकि हमारा जो किक मारते समय जो ये नट खुले ना। तो आपको बता चुके हैं कि हमारा नट जैसे सारा नट खुलता है उसी तरह से ये भी खुलेगा, उल्टा इसी तरह से खुलेगा, सीधा जो खुलता है उसी तरह से। तो यहाँ पर इसको सॉकेट को लगा दिए और इस तरह से आसानी से खोल लेंगे। तो इसको ओपन करके आपको बाहर ले कर दिखाते हैं। बट आपके पास प्रॉपर पुलर रहना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए निकल गया और यहाँ पे एक किक रिजिड और एक वॉशर, अब इसको निकालेंगे यहाँ से, आसानी से निकल जाएगा ये सारे रोलर। देखिए प्रॉब्लम सारा यहीं से होता है, देखिए एकदम सूख गया है, पूरा क्लियरली सूख गया, जिसकी यही रीज़न है हमारा मेन जो वाइब्रेशन का प्रॉब्लम होता है। तो इसी को क्या करेंगे, हम प्रॉपर लुब्रिकेट करेंगे। ये देखिए एक ज़रा सा इसमें जो है लुब्रिकेटिंग नहीं किया हुआ, तो प्रॉपर तरीके से सबको लुब्रिकेट करेंगे ल्यूब डाल के और थोड़ा सा ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह करेंगे, फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रॉपर लुब्रिकेट करते हैं, थोड़ा सा इसमें सेंट पेपर वगैरह लगाते हैं क्योंकि फर्स्ट सर्विस में एकदम क्लियरली काम करेंगे ताकि फिर कहीं से कुछ इशू ना हो। सारे को करेंगे थोड़ा थोड़ा लुब्रिकेट और लगाते जाएंगे। आपके पास लुब्रिकेट नहीं है तो आप क्या करेंगे, ग्रीस का यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा रोलर का जो साउंड होता है एकदम क्लियर हो जाएगा और वाइब्रेशन का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा लुब्रिकेट हो गया, अब क्या करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम ग्रीस का यूज कर लेंगे, ऊपर होकर के पकड़ो। ये कंप्लीट लुब्रिकेशन हो गया, अब इसके जो टाइमिंग वाला डॉट होता है इस तरह से रबर वाला पार्ट यहाँ पर इसको लगा देंगे। ये देखिए हमारा परफेक्ट लग गया, अब इसके बैक साइड में एक बूश डालेंगे, बूश डाल दिए, अब इसको डायरेक्ट इसी तरह से असेंबल कर देंगे वहाँ पे।
हमारा वो असेंबल हो गया। अब इस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा हम सैंड पेपर का घिसाव करेंगे। ला दोस्तों, ये जो क्लियर हो गया था इसमें हम थोड़ा सा क्या किए हैं, सैंड पेपर से घिसाव कर दिए। और अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो बेल्ट है इसको असेंबल करेंगे। अभी आपको जो पूरा क्लच कवर खोलने की एकदम आवश्यकता नहीं है, आप इसको ना खोलें। ये हमारा हो गया प्रॉपर फिटिंग, शायद आपको कैमरे में दिख पा रहा होगा। अब इसके जो क्लच हाउजिंग वाला एरिया है इसको भी थोड़ा सा हम रफ कर लेंगे। ये देखिए इसमें कितने ज़्यादा स्क्रेचेस आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा रफ करके हम असेंबल करते हैं। तो दोस्तों, क्लच शू के अंदर थोड़ा छोटा छोटा सा एक रोलर सा बना होता है, उस पर भी आप लुब्रिकेटिंग जरूर करें, हम बताना भूल गए। अब इसके जो डॉट और निशान बना हुआ है इसको यहाँ पर असेंबल कर देंगे। ये देखिए ये लॉक बन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे जो किक रिचेट बना होता है, ये सब में कोई टाइमिंग या फिर कुछ और वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको टिथ मैचिंग कराना। देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा डॉट बने हुए हैं टिथ, और इसके भी टिथ ये मैच होना है। ये अगर मैच नहीं होगा तो जैसे ही आप किक को यूज करेंगे आप, तो फिर क्या होगा, ये स्लीपिंग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक वॉशर डालेंगे और ये जो हमारा नट है इसको टाइट कर देंगे। तो चलिए फट से टाइट कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट टाइट हो गया है, अब इसको टाइट करेंगे। यहाँ पे कॉलर का नॉट होता है तो उस पर वॉशर डालने की आपकी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया कंप्लीट टाइट, क्लच कवर असेंबल करते हैं। तो दोस्तों, इसको कर दिए हम प्रॉपर असेंबल, और आपने देख ही लिया किस तरह से इसके वाइब्रेशन प्रॉब्लम और इसके कलर सेट के इशू को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और इसको ओपन करने के बाद आपने देख ही लिया किस तरह से इसके डिज़ाइन किया गया, एकदम अलग है। क्योंकि इसके अंदर तो आपने देख ही लिया बेंडिक्स ड्रैप को सेल्फ वाला जो रोलर मिलता है वो तो इसके अंदर था ही नहीं। इसका मैकेनिज्म एकदम टफ है, बहुत ज़्यादा टिफिकल है, क्योंकि इसका सेल्फ असेंबली दूसरी तरफ डाला गया है, सेल्फ रोलर साइड दूसरा उधर है, मैगनेट साइड से काम करता है। तो आपको उम्मीद करते हैं सीखने लायक चीज़ें मिली हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल वीडियो लाते रहें। और बहुत जल्द सारी जो बाइकें अभी BS4 की आप देख रहे हैं, बहुत जल्द सिर्फ BS6 की बाइकों का वीडियो आएगा, और PDF फाइल आपका उन सबका देता रहूँगा, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, प्लीज़ जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।